बतूल, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये साथ की माँ है, वही साथ जिसके साथ समरा का रिश्ता हो रहा था। वाह, इसको क्यों बुलाया? आप कौन से नए मुरासिम जोड़ रही है? अरे कमाल करती हैं आप भी, एक और बेटी भी तो भी आनी है इन्हें। आफिया जरा पंखा तेज कर दो भाई, बहुत गर्मी लग रही है। पंखा तो तेज चल रहा है, शायद गर्मी ज्यादा है। हाँ शायद। खैर आज तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती, हद होती है वैसे कंजूसी की। अरे बहन, इसमें कंजूसी की क्या बात है भाई, घर में चीजें बनाना तो हमारी रिवायत है, और वैसे भी बाजार की कोल्ड ड्रिंक से तो बेहतर है कि इंसान घर का शरबत पिए, इससे आदमी बीमार भी नहीं होता। नहीं तो ये सारे हकीमी टोटके हमारे लिए रह गए, हम ससुराली हैं, कोई खातिर तवाजो होनी चाहिए, वीआईपी शीआईपी। इनका मतलब ये नहीं था नादरा बहन, आप तो बुरा मान गई। अरे बुरा मानने वाली बात तो है आफिया, बाहर के लोगों को क्या जरूरत पड़ी है हमारे घर के मामलात में बोलने की। ताई ये मेहमान है हमारे। अरे बेटा मेहमान बनकर आई है तो मेहमान बनकर रहे ना। बेटा मैं बाद में आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, आ जाऊंगी। अच्छा आफिया मैं चलती हूँ। रानी दिखा दिए कपड़े? जी दिखा दिए। आफिया समरा को बुला लो भाई, वो भी देख ले अपनी बरी। इफ्रा जाओ बेटा समरा को लेके आओ। बर्फ भी ले आना, गरम है। हाँ। नरगिस भाभी आप अकेले ही आ गई, आप मेरा मतलब है कि भाई साहब को भी साथ ले आती, जवाद को भी, रस्म होती है। अरे आफिया मैं कहाँ जमा करती फिरूंगी भाई सारे घर वालों को, और मुख्तार को अपनी दुकान के 100 मसले मसाइल हैं, वो फारिग नहीं है, वो कहाँ ये रस्म और रिवाज निभाते फिरेंगे। और रही जवाद की बात, अरे भाई लड़कों को इन चीज़ों की क्या खबर। और तुम्हें मेरा आना बुरा लगा ना तो मैं चलती हूँ, भेज दूंगी तुम्हारे जेठ को। चलो नादरा। नहीं नहीं भाभी तो बुरा मान गई, आप बैठे ना मैं। अरे यूं ही तो बुरा नहीं मान गई, इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन तुम्हें तो हमारी चीजों की कदर ही नहीं है। तो बुरा मान गई, आप बैठे मैं बच्चों को बुला। बस एक ही लफ्ज सीख लिया, बुरा मान गई, बुरा मान गई। बुलाओ जल्दी से। अकेली कहाँ आई है, मैं नहीं दिख रही।